सब्सक्राइब करें संस्कार टीवी को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आज हम चर्चा करेंगे मूली के विषय में। यह मूली जो पूरे भारतवर्ष में विविध व्यंजनों के रूप में सलाद के रूप में प्रयोग की जाती है, तो इसके विषय में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। जिनको कान में पीड़ा होती है या कान के अंदर साएं-साएं की आवाज़ होती है या कान के अंदर खुजली होती है, उसके लिए मूली और पत्तियों का 200 ग्राम रस निकाल करके 50 ग्राम सरसों का तेल, इसको आप धीरे धीमे आँच पर धीरे धीरे इसको अग्नि में पकाएं। पकने के बाद जब रह जाए तेल, उसको छान करके शीशी भर के रख लीजिए। ये हुई आपकी कान की दवाई। आपके कान के लिए अत्यंत रामबाण है, यह बहुत ही लाभकारी है और आप देखेंगे कि आपके कान के लिए ये कितना गुणकारी है। इसके अतिरिक्त आँख के रोगों के लिए भी साफ पत्तियां हो मूली की, गर्म पानी में धो करके उसका रस निकालिए। रस निकाल करके उसको बिल्कुल कपट छन छान करके आई वाश कप, आँख धोने के लिए छोटी छोटी कप होती हैं जो मेडिकल स्टोरों में आपको मिल जाएगा, उसमें मूली के रस को डाल करके आँख में रखिए और धीरे धीरे आँख खोलिए, आँख बंद करिए, आँख खोलिए। इसी तरह से 5-7 बार करने के बाद उस पानी को बदल दीजिए। इस तरह से आप 2-3 मिनट करते हैं तो इससे जो आँखों की जाली, आँखों की लाली खत्म हो जाता है। आपकी आँख के लिए भी ये मूली अमृत है, बहुत ही गुणकारी है। तो आपकी आँखों के जालों के लिए, आँख की जो लालिमा है उसके लिए, जिनको पथरी की शिकायत है, जिनको बार बार पथरी बनने की संभावना रहती है, वो लोग इस मूली का क्षार यदि थोड़ी आधा ग्राम भी सुबह प्रतिदिन मूली के रस के साथ सेवन करते हैं, इससे निश्चित रूप से आपकी जो गुर्दे की जो पथरी है, जो आपकी किडनी स्टोन है, वो निकालने में यह अत्यंत सहयोगी है। यह मूली का रस भी यदि आप पीते हैं तो वो उससे पथरी निकल जाती है। पथरी के लिए यह बहुत ही गुणकारी पदार्थ है मूली। यदि मूली का रस निकाल करके एक कप रस सुबह प्रतिदिन खाली पेट पिए तो पथरी भी निकल जाएगी, पथरी बनने की संभावना भी कम हो जाएगी। और जिनको एसिडिटी रहती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी के जो लोग हैं, वो भी इस मूली के पत्तों का सेवन करके, इसके रस का सेवन करके एसिडिटी से बच सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।